दृष्टिया आईएस के टूडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस नामक शोध की भूमिका को सबसे अच्छा दर्शाता है आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए नैनो उपग्रहों का निर्माण ऑप्शन बी जीन एडिटिंग ऑप्शन सी समुद्री प्रदूषण पर अंकुश लगाना या फिर ऑप्शन डी बायो कंप्यूटर तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बायो कम्प्यूटर में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं हाल ही में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यानी जे एच यू के वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनाइट इंटेलिजेंस नामक अनुसंधान के नए क्षेत्र के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की इसका उद्देश्य बायो कंप्यूटर बनाना है इसमें लैब से विकसित ब्रेन कल्चर को वास्तविक दुनिया के सेंसर और इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जोड़ा जाता है ये प्रौद्योगिकी मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करेगी और मानव अनुभूति सीखने और विभिन्न तंत्रिका संबंधी विकारों के जैविक आधार को समझेगी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मस्तिष्क के ऊतकों का थ्री कल्चर का निर्माण कर रहे हैं जिन्हें ब्रेन ऑर्गेनाइट भी कहा जाता है ये मिनी ब्रेन चार मिलीमीटर तक के आकार के साथ मानव स्टेम सेल का उपयोग करके बनाए गए हैं ये एक विकासशील मानव मस्तिष्क की कई संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं को कैप्चर करते हैं शोधकर्ता अब उनका उपयोग मानव मस्तिष्क के विकास का अध्ययन करने और दवाओं का परीक्षण करने के लिए कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि वे कैसी प्रतिक्रिया करते हैं इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बायो कंप्यूटर चलिए अब शुरुआत करते हैं आज आज के के एपिसोड एपिसोड की तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या फ्रिंजिक्स 23 का सबसे अच्छा वर्णन करता है आपके ऑप्शन है सैन्यभ्यास शूद्र ग्रह जीन एडिटिंग टूल या फिर कीटनाशक तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सैन्य अभ्यास चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजिस 23 आयोजित किया गया इसलिए विकल्प ए सही है इस सात से आठ मार्च 2023 को पंगोड़े सैन स्टेशन तिरुवंतपुरम केरल में आयोजित किया गया था यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेना इस प्रारूप में शामिल हुई है प्रत्येक टुकड़ी में तिरुवंतपुरम स्थित भारतीय सेना की एक एक कंपनी और फ्रांसीसी छठवी लाइट आर्म ब्रिगेड शामिल है इसका उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन समन्वय और सहयोग को बढ़ाना है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अभ्यास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग यानी आई निम्नलिखित में से किस संगठन या निकाय से संबंधित है आपके ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एशियाई विकास बैंक नीति आयोग ने एशियाई विकास बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग यानी आई के सहयोग से एक पैनल चर्चा का आयोजन किया इसलिए विकल्प डी सही है ये चर्चा जल सुरक्षा को मजबूत करने और जोखिमों को कम करने के तरीकों पर ब्रिज ओवर ट्रबल वाटर शीर्षक से की गई आईईडी स्वतंत्र रूप से आईडीवी की नीतियों रणनीतियों संचालन और विशेष मामलों का मूल्यांकन करता है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी एशियाई विकास बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अनुभव पोर्टल खबरों में था ये निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है आपके ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय या फिर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय हाल ही में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने निर्णय लिया कि सभी पेंशन पोर्टल जैसे अनुभव सी -E और सीजीएचएस आदि को एक ही पोर्टल से एकीकृत एक किया जाएगा इसलिए विकल्प डी सही है अनुभव पोर्टल मार्च 2015 में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था ये सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा अवधि के दौरान की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है यह परिकल्पना की गई है कि सेवानिवृत्त लोगों द्वारा नोट छोड़ने की संस्कृति भविष्य में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की आधारशिला बनेगी अनुभव पोर्टल की बात करें तो ये भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करने के दौरान अपने अनुभवों को साझा करने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मंच प्रदान करता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है निकेल जैसी अन्य धातुओं की तुलना में लिथियम का वजन कम होता है कथन दो है लिथियम आयन बैटरी जली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का उपयोग करती हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है चलिए देखते हैं हाल ही में ईरान ने बड़े पैमाने पर लिथियम का पता लगाने का दावा किया है ईरान के मिदान प्रांत में आठ दशमलव पांच मिलियन मीट्रिक टन लिथियम ऐस मिलने का दावा है लिथियम बैटरी के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है लिथियम आयन बैटरी जली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का उपयोग करती है जहां आयन एनोड और कैथोड के बीच स्थानांतरित होते हैं अतः कथन दो सही है निकल जैसे अन्य धातुओं की तुलना में लिथियम का वजन कम होता है इसलिए कथन एक सही है इसके अलावा इसमें बेहतर विद्युत रासायनिक क्षमता होती है इसलिए विकल्प सी सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन है स्क्रब टाइफस जिसे बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है एक रोग है जो निम्न में से किसके कारण होता है आपके ऑप्शन है विषाणु कवक विषाणुजो या फिर बैक्टीरिया तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बैक्टीरिया भारतीय शोधकर्ताओं के अनुसार स्क्रब टाइफस से बचने के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी अधिक कारगर है स्क्रब टाइफस जिसे बुश टाइफस भी कहा जाता है और इंटिया नामक बैक्टीरिया के कारण होती है इसलिए विकल्प डी सही है स्क्रपटाइफस संक्रमित चिगर्स यानी लेवल मिट्स के काटने से फैलता है इसके लक्षण हैं बुखार सिर दर्द शरीर में दर्द और दाने इसके अधिकांश मामले दक्षिण पूर्व एशिया इंडोनेशिया चीन जापान भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं भारत बीमारी के कम से कम पच्चीस प्रतिशत बोझ वाले हॉटस्पॉट्स में से एक है स्क्रपटाइफस वाले क्षेत्रों में रहने वाला या यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है स्क्रपटाइफिस का इलाज एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन से किया जाता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है परम्बकुलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में, में से किस राज्य में स्थित है आपके ऑप्शन है कर्नाटक केरल तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केरल हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में जीवों का सर्वेक्षण किया गया परिम्बकुलम भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है और केरल राज्य में स्थित है इसलिए विकल्प बी सही है इस क्षेत्र को 2010 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था परम्बीकुलम नदी इसके बीच से गुजरती है परम्बकुलम पश्चिमी घाट की नल्यमपैथी पैथी अन्नामलाई उपिकाई का संरक्षित हिस्सा है यहाँ पर्वती घास के मैदान और दलदली घास के मैदान जैसे अनोखे आवास बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं यहाँ एकमात्र दक्षिण भारतीय जंगली बकरी नीलगिरी ताहर भी पाई जाती है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केरल नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइंड जेंडर गैप शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई ये है निम्न से संबंधित है आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का विश्व बैंक विश्व आर्थिक मंच या फिर सी संस्थान तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सी संस्थान सी संस्थान के अध्ययन के अनुसार वित्त और संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी दर भारत में लगातार पिछड़ रही है इसलिए विकल्प डी सही है माइंड जेंडर गैप शीर्षक वाली रिपोर्ट बी आर एस आर यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट डिस्क्लोजर पर आधारित है यह रिपोर्ट सी एफ ए संस्थान से, से संबंधित है इसलिए विकल्प डी सही है बी आर एस आर ढांचा दो हजार इक्कीस में सेबी द्वारा जारी स्थिरता प्रकटीकरण का एक भाग है जिसमें भारतीय कंपनियों को लिंग के आधार पर कार्यबल संरचना वेतन और अन्य कारकों जैसे विषयों की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था आपको बता दें यह डिस्क्लोजर फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए स्वैच्छिक है वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 से शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सी एफ एस संस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में करगट्टम शब्द का उल्लेख है तमिलनाडु का लोक नृत्य तेलंगाना का लोक संगीत आंध्र प्रदेश की कठपुतली या फिर संगम युग का साहित्य तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तमिलनाडु का लोक नृत्य करगट्टम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है इसलिए विकल्प ए सही है कर्गट्टम आमतौर पर बारिश की देवी मरियम्मन को धन्यवाद और प्रशंसा करने के लिए मंदिरों में किया जाता है नृत्य को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है पहला है आटा करगम और दूसरा है शक्ति करगम नर्तक आमतौर पर महिलाएं होती हैं और वह अपने सिर पर विशाल बर्तनों को संस्कृत करते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य आमतौर पर स्थानीय देवता की पूजा करते समय किया जाता है इस तरह प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तमिलनाडु का लोक नृत्य चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर तो अंतिम प्रश्न है राजभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है भारतीय संविधान का भाग सत्रह राजभाषा से संबंधित है कथन दो है संविधान के अनुच्छेद तीन से तीन राजभाषा से संबंधित है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है क्या फिर है आपके ऑप्शन है केवल के एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है चलिए फ्रेष सारी की बात को समझते हैं भारतीय संविधान के भाग सत्रह के अनुच्छेद तीन से तीन में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है इसलिए दोनों कथन सही हैं इसके प्रावधानों को चार शीर्षकों में बांटा गया है पहला है संघ की भाषा दूसरी है क्षेत्रीय भाषाएं तीसरा है न्यायपालिका की भाषा और चौथा है कानूनों के पाठ और विशेष निर्देश संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप रखा गया है संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा निर्दिष्ट नहीं करता है संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष निर्देश शामिल हैं इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न तो अभ्यास प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह हिंद प्रशांत तकनीकी दूत नियुक्त करेगा आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इजराइल ऑप्शन बी चीन ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना भूलें जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवाल और उनके नए नए जवाबों के साथ तब तक के लिए शुक्रिया